मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। अभी हमने एक पेशेंट दिखाया है जिसमें 4 स्टेंट लगाए। मैं इनकी पुरानी हिस्ट्री बताना भूल गया था उस समय। इनकी पुरानी हिस्ट्री ये है कि डायबिटिक पेशेंट है, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज इनके 3 स्टेंट मैं पहले भी लगा चुका हूँ, 2017 में देखा यहाँ पास में। ये 2020 का है, यहाँ पे रोको जरा इसको। 2020 में इनको ये 99% आर्टरी बंद है और 100% आगे जाके बंद है। देखो कैसे खोला, नेक्स्ट अलग अलग भी दिखाओ। ये 2020 में एक स्टेंट लगाया था मैंने एलईडी में, इनको हार्ट अटैक हुआ था। और अच्छी बात यह है कि एलईडी स्टेंट लगाने के बाद देखो देखो पहले देखो तब तक वो थोड़ा कंप्यूटर स्लो है। एलईडी स्टेंट लगाने के बाद उस समय हार्ट की पंपिंग 25% आ गई थी। स्टेंट लगाने के बाद अटैक हुआ था इनको, हार्ट की पंपिंग नॉर्मल 60% आ गई थी आफ्टर 6 मंथ्स। दी आर लकी पेशेंट्स। एंड ये एक फायदा होता है एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगाने का। अभी फिर से दिखाते हैं, बंद हो गया लास्ट शॉट दिखा, उन्हें शॉट लास्ट तो। अभी आखिरी शॉट दिखाते हैं। उस समय जब हमने स्टैंड बैलून किया, ये किया आगे, ये हमने स्टैंड लगा दिया। और स्टैंड लगाने के बाद का रिजल्ट दिखाओ लास्ट वाला। ये 2020 के रिकॉर्ड है पुराना। कौन सा महीना है ये? अगस्त, 27 अगस्त। और यहाँ आज भी 24 अगस्त है, तो दो एग्जैक्टली 2 साल पहले। ये पूरी नस खुल गई, तो पूरी बंद थी। ये देखिए स्टैंड लगा हुआ है, ये देखिए। ये तीसरा स्टैंड था, 2 स्टैंड पहले लगे हुए हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी में और एक सर्कमफ्लेक्स में। नाउ कमिंग टू टुडेज रिपोर्ट। आज मैंने एंजियोग्राफी करी, यहाँ पे फोकस किया, एंजियोग्राफी करी तो जो आर्टरी स्टैंड यहाँ लगा हुआ बिल्कुल नॉर्मल है। एक स्टैंड यहाँ लगा था, यहाँ पे नया ब्लॉकेज आ गया, यहाँ नया ब्लॉकेज आ गया, और एक एलईडी में यहाँ पे ब्लॉकेज है थोड़ा सा, और एक यहाँ पर है। अब राइट वाली आर्टरी में ये तो तीनों स्टेंट पुराने वाले सही काम कर रहे हैं, 4 जगह नए ब्लॉकेज आए। इधर देखो राइट वाला, ये राइट वाली आर्टरी में पहले स्टेंट एक लगा था और यहाँ पे एक नया ब्लॉक, ये एक नया ब्लॉक ये। तो हमने यहाँ 4 स्टेंट यहाँ लगा दिए, 3 पहले लगे हुए। अब देखिए दिखाता हूँ कहते, ये पहला स्टेंट, पहला स्टेंट राइट वाली में, दूसरा स्टेंट राइट वाली में, तीसरा स्टेंट सर्कमफ्लेक्स में। ये जो दो दो तारों के बीच में दिखता है ना, दो पॉइंट के बीच में, उसको स्टेंट कहते हैं। ये तीसरा स्टेंट आज लगाया, और चौथा स्टेंट, ये चौथा स्टेंट ये। अब ये आर्टरी फाइनल शॉट दिखाता हूँ आपको, फाइनल शॉट बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी हो गई। फिर एलईडी में जो पुराना स्टेंट तो ठीक है, काम कर रहा है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे स्टेंट, ये वाला सही काम कर रहा है। देखिए आगे जाके करीब 50% ब्लॉक ये है, और करीब 50-60-70% यहाँ ब्लॉकेज है आगे जाके है। इस पेशेंट को बताना चाहूंगा, 7 स्टेंट लग चुके हैं। हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव को भी 7 लगे हुए थे बॉम्बे में, उन्होंने थोड़ी कम गलतियां करी कि उन्होंने ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते थे, बहुत दौड़ते थे। एक देखिए जो भी कहा जाए, स्टेंट लगने के बाद बीमारी तो ही है ना, उस बीमारी के हिसाब से आपको दौड़ना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। पुरानी गाड़ी हो जाती है तो आप आराम से चलाते हैं, डोंट गो टू 140, वो अलग बात है। लेकिन कहने मतलब है ये पेशेंट उसी तरह की है जिनमें 7 स्टेंट मैंने लगाए हैं, 2 2017 में, 1 2020 में, और 4 आज 2022 में। लेकिन पेशेंट की हार्ट की पंपिंग बिल्कुल नॉर्मल है, इनको छाती में दर्द हो रहा था तेज चलने में। इनका बेटा बहुत अच्छा है, इनको ध्यान किया, मथुरा से आए और 7 स्टेंट टोटल हो चुके हैं। कहने का मतलब है स्टेंट इज लाइक ए डेंटल ट्रीटमेंट। कभी इस दांत में प्रॉब्लम, कभी इस दांत में प्रॉब्लम, कभी इस दांत में प्रॉब्लम, तो आप यू कैन कीप ऑन ट्रीटिंग इट अगेन एंड अगेन। बाईपास सर्जरी इज ए वन टाइम प्रोसीजर, सेकेंड बाईपास बहुत रिस्की होती है, पहला बाईपास भी रिस्की होता है। अगर स्टेंट लग सकते हैं तो बाईपास सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ। आइए पास देखा, ये हमारी कैथलेब है, यहाँ पे बाहर का एरिया है जहाँ पे नर्सिंग बड़े मेहनत से काम करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल है दिल्ली में, आज तारीख 24 अगस्त, और आज हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे पोस्ट एंजियोप्लास्टी होती है, शाम के 6:30 बज रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फिर से बताना चाहूँगा, अगर पेशेंट में स्टेंट लग सकता है तो बाईपास सर्जरी ना कराएं, जरूरत ही नहीं होती। और अगर है लग सकता है तो कराना चाहिए, अगर जरूरत है तो करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर। आओगे? थैंक यू सर।
Dr. Vigupta from Apollo Hospital, New Delhi. I'll show you the cath lab. I'll show you the ICU area. ये हमारा ICU है, ये अभी आगे पहुंच गए वहाँ पे। ये हमारा गैलरी है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। इसका इधर बाईपास सर्जरी के OTs हैं, इधर हमारा दिस इज ऑल ICUs. And so what I want to tell you finally, just to summarize the whole thing, coronary artery disease एक ऐसी ब्लॉकेज बीमारी है जो कि दिल का दौरा भी दे सकती है, केवल एंजाइना भी दे सकती है, कई बार सडन डेथ हो जाती है. बचना चाहिए, जो जो पेशेंट्स को इलाज हो सकता है, जिसको एंजियोग्राफी हो गई वो खुशकिस्मती, जिसको केवल दवा पे है उसका इलाज हो रहा है वो भी खुशकिस्मत है, जिसको बीमारी पता ही नहीं लगे और सडनली हार्ट अटैक हो गया, दे आर वेरी अनलक्की. सो दो, अगर आप पेशेंट आप पे एंजियोप्लास्टी हो रही है, डोंट थिंक दैट यू आर अनलक्की. अगर एंजियोप्लास्टी होकर आपका इलाज हो रहा है, यू आर लकी पीपल, भगवान ने आपको रास्ता दिखा दिया. तो डोंट टेक इट अदरवाइज, एंड इफ यू गेट ट्रीटेड बाय मेडिसिन, बाय एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, यू आर वन ऑफ द लकी पीपल ऑन अर्थ. यू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यू बिलीव इन गॉड, भगवान पर विश्वास रखिए और इस तरह से आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी. डॉक्टर विगुप्ता, ब्रह्मपुर हॉस्पिटल, 24th August 2022. थैंक यू वेरी मच.